बारी जो एक मानसून का पैटर्न है वो थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा है। जैसे रेगुलर रेन होती थी या बारीक रेन होती थी या बारिश धीमे धीमे होकर चलती थी, इस बारी वो उस तरीके की बारिश नहीं हो रही। जब बारिश हो रही है तो बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, तो हमें लग रहा है कि अगर इसी तरीके से चलेंगे तो नुकसान होने के और भी चांसेस हो रहे हैं। जहाँ तक तैयारियों की बात है तो मैक्सिमम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो भी आपके नाले हैं और जहाँ पे ब्लॉकेज है, गटर्स हैं, पीडब्ल्यूडी के गटर्स हैं, रोड्स की नालियाँ हैं, इनको साफ करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये साफ रहे और मलबा ना गिरे। विभिन्न जगह में काम चले हुए हैं, सर्कुलर रोड पे भी काम चले हैं, शहर के अंदर भी रोड में काम चले हैं, तो वहाँ से जो मलबा है वो नालियों में जा रहा है। हमारा प्रयास ये है कि उन कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला जाए जो ये काम कर रहे हैं कि मलबा अपना इमीडिएटली वहाँ से उठाए ताकि ब्लॉकेज ना हो नालियों में और जो फ्लो है रेन वाटर का और सारा वो आराम से वहाँ से निकले। प्रयास जारी है पर लेकिन तैयारियाँ भी पूरी है। अगर कोई ऐसी आपदा भी होती है, भगवान करे ऐसा ना हो जैसा पिछले साल हुआ था, पर नेचर है, नेचर के ऊपर क्या डिपेंड करता है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हादसे हो रहे हैं कुल्लू में और आपके रामपुर में, मंडी में जो कल किसी एक तरीके से प्यास 52 आदमी के लापता है। तो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि शिमला बचे रहे और प्रदेश भी बचे रहे, लेकिन अगर कुछ नेचुरली होता भी है तो उसकी हम तैयारियां पूरी करेंगे और लोगों के बीच खड़े हैं, और अगर होता भी है कुछ तो हमारी टीमें तैयार हैं, तो उसके बाद हम शहर को पूरा दुरुस्त करने के भी प्रयास करेंगे।